मशहूर फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस एक बार फिर से ईडी के चंगुल में फंसती हुई नजर आई है। ईडी ने लगभग 7.5 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया है। इसमें आप सभी को बता दूं कि जेल में बंद सुकेश ने ये प्रॉपर्टी उनको दी थी और ऐसा ईडी का कहना है, और साथ ही उनके कई अच्छे संबंध सुकेश के साथ बताए जा रहे हैं। उनको पर्शियन बिल्ली से लेकर के घोड़े तक सुकेश ने गिफ्ट करे थे, और इसी के चलते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अभी आगे की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पूछताछ जारी है। क्या कुछ ये मामला बयां कर रहा है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी को जब्त किया है, सीधा इस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। जैकलिन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 7.27 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। बताया जा रहा है कि यह कदम ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन को गिफ्ट की थी। जानकारी के मुताबिक जैकलिन के पास इतनी रकम की एक FD है जिसे ईडी ने जब्त कर दिया है। एक्ट्रेस से ईडी की टीम 3 बार पूछताछ भी कर चुकी है। उनसे तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनके संबंधों को लेकर के भी पूछताछ हुई। उनके खिलाफ ईडी लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है। तो 5 दिसंबर 2021 को देश से बाहर जाने की कोशिश करते हुए उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। एक्ट्रेस के कॉनमैन के साथ करीबी रिश्ते ईडी की सूत्रों की माने तो एक्ट्रेस और कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के बीच में करीबी रिश्ते थे और वह एक्ट्रेस पर पानी की तरह पैसे लुटाता था। चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस को गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी इम्पोर्टेड क्रॉकरी दी थी। इनके अलावा 52 लाख रुपए का एक घोड़ा और 9 लाख की 4 पर्शियन बिल्लियां भी गिफ्ट की थी। जैकलिन के लिए सुकेश ने कई चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक की थी और ईडी सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।